हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज अभी सुबह के 8 बजे हैं और आज जा रहे हैं मैं और मम्मी सुन्नी। तो अभी मौसम बाहर का बहुत ख़राब है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो ठंड तो बहुत लगने वाली है। तो अभी हमारे गांव से बस जाती है 9:45 बजे, तो उसमें हम जाएंगे। अभी मेरे को सारा काम करना है। अभी जो भी अंदर का मतलब किचन का खाना बनाना है और झाड़ू वगैरह जो भी होता है वो करना है, तो मम्मी करेंगे बाहर का काम, पशुओं का काम, और बाहर जो भी काम होता है वो मम्मी निपटाएंगे। तो मैं खाना बना लेती हूँ और फिर जब मैं तैयार होंगी या खाना बना चुकी होंगी, सारा काम कर चुकी होंगी, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो अभी मैं रेडी हो रही हूँ फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ और बस चली गई है परे को, मतलब बाहर। जब वापस आएगी तो उसके बाद हम मतलब यहाँ से जाते हैं। तो फिर तैयार होके मैं आपको मिलती हूँ। ओके। सो मेकअप थोड़ा थोड़ा हो गया है, कुछ नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बाल भी मैंने बना लिए हैं, जल्दी जल्दी मैं बस आ गई है। तो फिर अभी जल्दी जल्दी आना है। अब लगाना है मेरे को लिप बाम, बस उसके बाद बाहर से स्वेटर पहननी है। मैं शिमला से कोई भी मोटी स्वेटर नहीं लेके आई हूँ, तो मेरे को लगने वाली है ठंड। तो देखते हैं लगती है नहीं लगती है। यार मेरा गला आजकल थोड़ा ख़राब है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो फिर मिलती हूँ आपसे बाद में जब हम निकलेंगे, अगर हमारे को जल्दी ना लगी हो तो। मैंने मम्मी को बोला था वीडियो बनाने के लिए मेरी, पर मेरी मम्मी को नेल पॉलिश लगानी थी तो फिर खुद ही बनानी पड़ रही है। ठीक है, सो लगाती हूँ लिप बाम मैं। ये वाला लिप बाम लगाती हूँ मैं, टुच्चू सा। मेरी मम्मी को देखो। मेरी मम्मी भी तैयार होके आ गए। मम्मी हाय, कैसे हो आप? पूछो ना आप बढ़िया। सबसे कि कैसे हो आप, हाँ, सब कैसे हो? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोले कमेंट में ठीक बताएगा कैसे आप मेरी मम्मी बेचारे। अब ये लिप बम लगाया हुआ मैंने, तो मेरा लिप बम चल खराब हो ठीक जाएगा। बाय। इसमें ब्लर क्यों दिखाई दे रहा है यार? यहाँ को आओ ला यार। अच्छा तो आज हम जा रहे शॉपिंग करने। क्या शॉपिंग करनी मम्मी आपने? देखते हैं अभी क्या क्या होती है। हाँ एक्चुअली मेरे भाई की शादी है, फैब फैब में है, तो फिर उसके लिए देखते हैं करना है। मेरे पास तो है, मैं तो शायद शायद ही मैं लूँ, बाकी लगेगा पता नीचे जाके। अगर मेरे को पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो फिर मेरे पास है पुरानी, क्या है, सूट ही पहनना है और क्या पहनना है, ज़्यादा ज़्यादा साड़ी पहननी है और क्या करना है। चलो वो तो बाद की बात है। सो अभी बस आने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी से हम जल्दी जल्दी से निकलते हैं। सो बने रहिए। सो हमारे पास आ गई है फिर मम्मी। बारिश लग पड़ी मम्मी, हाँ तो ठीक है, आ जा। देखो पार आ गई हमारे पास। सो निकलते हैं, बाय बाय। और यहाँ पहुँच गए हैं हम लोग तत्तापानी। हम लोग ये देखो, ये तत्तापानी का बाज़ार है। और मैं जा रही हूँ एटीएम। अब शॉपिंग करनी है तो एटीएम तो जाना ही पड़ेगा ना, पैसे तो निकालने ही पड़ेंगे। और ये देखो जी, ये हम पहुँच गए हैं सोनी के बाज़ार में। ये सोनी का बस स्टैंड है और अभी मम्मी को थ्रेडिंग करवानी है। यहाँ पे मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ। मम्मी थ्रेडिंग करवा रही हूँ, देखो मेरी मम्मी की थ्रेडिंग हो रही है। मम्मी देख रहे, ये मम्मी की थ्रेडिंग, मम्मी देखो अच्छे से। और अब हमारे को सूट लेने हैं, मम्मी को सूट लेने हैं मतलब। तो फिर हम यहाँ शॉप में आए हैं और ये देखो इतने सारे सूट्स हैं। अब देखते हैं मम्मी को कौन सा पसंद आता है। इतने सारे सूट में से मम्मी को कोई पसंद। यार पसंद मम्मी इतने सारे सूट दिखा दिए, गरम सूट चाहिए मम्मी को, पर मम्मी को एक भी सूट पसंद नहीं आ रहा है। सो यहाँ है मैं और मम्मी सिर्फ। जो दुकानदार थे वो नीचे चले गए, तभी हमारा राज है। अब हम यहाँ पे छाटते हैं। अभी हम दूसरे शॉप में आए हैं
और यहाँ पे मम्मी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी मम्मी को कुछ नहीं पसंद आ रहा है। देखो कंफ्यूजन वाला चेहरा देखो। देखो चश्मा क्या लेते ना यार, ऑन हो गया है बोल दे। हाय हम फिर से साथ हो गए दोनों। आज हम घूम रहे हैं सुनी। आज हम सुन्नी में घूम रहे, शिमला बोल रही हूँ। सुन्नी में घूम रहे और मैंने अपने अंकल को फोन किया। मेरा सुन देख लिया तूने? अरे तो हम ले लेते हैं सामान अभी ना, तो बाद में मिलते हैं। सो फाइनली सूट लेने के बाद मम्मी को लेने थे शूज़, तो क्या मतलब बैलीज लेनी थी, तो यहाँ हम आए हैं और मम्मी देख रहे हैं। स्कूल टाइम याद है आपको? ये बोल रही थी अभी मैं कि स्कूल टाइम, मैंने बोला था कि स्कूल टाइम में मैं यहीं से लेती थी। पता है कोई भी आती है तो भी आती है। अच्छा याद है आपको, पुरानी यादें ताजा होगी। यहाँ से मैं बहुत वो लेगी हूँ। बाय बाय प्रियंका। स्कूल टाइम में हम लोग ना इसी शॉप में खाते थे छोले समोसे, राकू का ढाबा मतलब सुनने में, और अब हम यहाँ पे आए हैं। यार एकदम से बारिश शुरू हो गई है, देखो इतनी बारिश हो गई है। अब सारी शॉपिंग हो गई है और यहाँ से हम सब्जी लेंगे अब लास्ट में, और उसके बाद हम जाएंगे और उसका वेट करेंगे। शुक्र है थोड़ी बारिश तो रुकी, कम से कम वेट तो कर सकते हैं आराम से बस का। और अब बस का वेट करते हैं, पता नहीं कब तक आएगी यार। ठंड लग रही है मम्मी को क्या भाई? वहाँ से आए हैं हम पैदल, पापा को ने बोला कि उनको लेट हो जाएगा, तो फिर अभी सामान बहुत ज़्यादा है, भारी है, और पापा का कॉल आ गया तो पापा आने वाले हैं हमारे को लेने। तो अभी शाम के कितने बजे पता नहीं, फ़ोन में देखना पड़ेगा, एक हाथ मेरा बिजी है, मतलब कि 5:30 बजे होंगे। तो फिर कहाँ उसी रीपर चटकर? अच्छा ठीक है ओके चलो ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं, अब देखते हैं बीच में। चलो सो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, और बाहर बहुत अंधेरा हो गया और हम बहुत ज़्यादा थक गए, और बहुत ज़्यादा ठंड है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। ये देखो मेरी मम्मी डब्बा लेके आए हैं मुफ्त में शॉप से, और हम बहुत सारा सामान लेके आए, अभी हमें हिम्मत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यार, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू, मैं भूल ही गई, हम लोगों ने खुद भी सेलिब्रेट नहीं किया और आपको भी विश नहीं किया, सो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। सो मैं अपने व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।